जिस तरह 1986 इंडिया इंडिया के नचोड़िया ना, इस तरह तुम आवाम नचोड़ छड़िया जी। थोड़ी मेहरबानी, महंगाई घट करो, महंगाई हर चीज वध गई हुई है। क्या ना आया पाकिस्तान में, लोगों को नौकरियां मतलब दे रहे थे, वो कोई नौकरी नहीं मिली, कोई घर जो बना था घर नहीं मिला, कोई हमें अलाउंस नहीं मिला, क्या कर रहे हैं? इमरान खान झूठे वादे करता है, ये झूठा है, इसकी हुकूमत नाकाम है। महंगाई बहुत है, अब जिनके कमाने वाले नहीं है उनका क्या बनेगा? मैं देखो किराए पे बैठी हुई हूँ, मेरा शोहर भी नहीं है, मेरा जवान बेटा भी फौत हो गया, अभी साल हो गया। वजीर आजम इमरान खान साहब नू यह कहना वा कि तुसी जिस तरह 1986 इंडिया के नचोड़िया ना, इस तरह तुसी आवाम नचोड़ छड़िया जे। थोड़ी मेहरबानी, महंगाई घट करो, महंगाई हर चीज़ वध गई हुई है। यानी कि मोटरसाइकिल का काम कराओ, वो भी पुर्जे महंगे ने, फल लैन जाओ वह भी महंगे ने, गोश्त लैन जाओ वह भी महंगे ने, कोई जुत्ती लैन जाओ वह भी महंगी है। यानी कि एक तो लैके जे तक सारी महंगाई महंगाई है। तो मैं इमरान खान साहब नूं रिक्वेस्ट करना वा, दरखास्त करना वा कि थोड़ा गरीबां तवज्जा करो। थोनू गरीबां ने तब्दीली समझ के वोट पाया सी कि तब्दीली आएगी, कि कुछ पाकिस्तान च सुकून होएगा, अमन होएगा। सानू अजे तक कोई चीज़ नज़र नहीं आई है तब्दीली दे विच। तब्दीली का मतलब तो मैं यही ही पता लग गया कि महंगाई है, बस यह मैं मतलब पता लग गया। मैं यही कहना चाहना वा बस। महंगाई के बारे में ये है कि हम तो जो ना बहुत परेशान हैं, कारोबार ही नहीं, बिल्कुल इतने परेशान हैं हद से ज़्यादा कि रोटियों से तंग है, कोई कारोबार नहीं है। यहाँ तक कि जो है ना महंगाई की वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, अब इससे ज़्यादा क्या होना है। इमरान खान ने तो तीन तीन चार चार कर ली हम आते, वो भी छोड़ के चली गई। अब बताओ कहाँ से किसी को चोरी करे, डाका मारे, क्या करे, बताया हमें। ये कह रहा था पाकिस्तान जो है ना नया पाकिस्तान बनाएगा, वो तो पुराना भी नहीं रहने देते। क्या नया पाकिस्तान में, लोगों को नौकरियां मतलब दे रहे थे, वो कोई नौकरी नहीं मिली, कोई घर जो बना था घर नहीं मिला, कोई हमें अलाउंस नहीं मिला, क्या कर रहे हैं? तीन साल साढ़े तीन साल से मतलब नहीं हुआ, तो सर्दियों के बाद क्या हो जाएगा, वो पाकिस्तान कोई बदल जाएगा? और सस्ती कोई भी चीज़ नहीं है, कारोबार ही नहीं है, सस्ती क्या होनी है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ महंगी से महंगी है। कोई कारोबार नहीं किया, कोई मतलब बिजनेस नहीं किया है, या तो कोई काम करके दिखाया भी हाँ ये मैंने किया है, बजाय मकान बनाने के लोगों को देने के लोगों के मकान ढा रहे हैं, गिरा रहे हैं मकान, जो 50-50, 70-70 साल से लोग रह रहे हैं ना, उनके दादा परदादे मतलब इधर हैं, वो तक उनके मकान गिराए जा रहे हैं। इन्होंने क्या काम करना? ये बजाते खुद ईमानदार बंदा है, लेकिन जो इसके सरबरा साथ हैं वो सब लोग मतलब ऐसे ही करते हैं कि चोर डाकू रले हुए सब लोग। दोबारा नहीं आएगा इंशाल्लाह, नवाज शरीफ ही आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म नाल। और अब देखो हम पता की कहते हैं, और बाहर बैठा उन्होंने लियाओ, और बगैर तो भेजा भी तुम अपने प्यो नू है, तो उन्होंने इतने बुलाओ लैके आओ। कहते जी आप ही गया, आप ही कहें गया, और तुम ढाडी घूमच ही गया, उन्होंने बुलाओ। मुझे तो नहीं लगता कि ये महंगाई कम होगी, ये दिन ब दिन बढ़ती जाती काम तो नहीं होगी। मुझे तो नहीं ऐसा लगता है, ये इमरान खान झूठे वादे करता है, ये झूठा है, इसकी हुकूमत नाकाम है। इन्हें हमें ख्वाजा सराए, हम लोगों के घरों में जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमें आपको क्या दें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, इतनी महंगाई होगी, 400 रुपये किलो घी इसने काट दिया है, इमरान खान की हुकूमत आगे नाकाम होगी, ये लोगों के साथ झूठ बोलता है, ये सीधी बात नहीं करता, ये ऐसे बस लोगों को ड्रामे बता रहा है। लेकिन हमें नहीं यकीन होता कभी भी महंगाई कम होगी। साढ़े तीन साल में क्या किया इमरान खान ने? कुछ भी नहीं किया, गरीबों का खून चूस रहा है। नवाज शरीफ बहुत अच्छे थे, उनकी हुकूमत भी बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन हमें नहीं लगता ये ऐसा करेगा, कभी भी नहीं करेगा। महंगाई बहुत है, अब जिनके कमाने वाले नहीं है उनका क्या बनेगा? मैं देखो किराए पे बैठी हुई हूँ, मेरा शोहर भी नहीं है, मेरा जवान बेटा भी फौत हो गया, अभी साल हो गया, और मैं खुद काम करती हूँ, अब नहीं होता मेरे से काम, मैं तो ऐसे बस गुजारा कर रही हूँ, अपना छोटा सा कमरा लिया हुआ किराए पर। महंगाई के बारे रेलिस्ट दुध दही की फिर आ गई है जी, 135 रुपये किलो दही, 115 रुपये किलो दुध, अगे दुनिया अक्की सड़ी पई है, तो हूँ फिर काम यह हो गया तो फिर की बनेगा? सस्ता करो सौदा, दुनिया चलनी है तेरे नाल चलनी है, सस्ता करोगे तो सारा कुछ चलेगा सही। हर घ्यो इन्ना महंगा है, आटे चीनी इन्नी महंगी, सस्ता करो, बस यही साड़ी अपील है कि सस्ता करो। सर ये बात है, हम जी कुछ नहीं कह रहे, सर्दियों में अगर महंगाई नहीं ख़त्म होगी तो गर्मी भी कब ख़त्म होगी? ये बात है कि गरीब आदमी के एक पाव के 100 रुपये पाव के हिसाब से मिलता है घी, जो अगर 100 रुपये पाव से घी, हांडी एक पकती है एक नहीं पकती, ये बात है। बाकी हम सब के लिए, अमीर गरीब के लिए ये महंगाई है,
हम क्या कर सकते हैं। आप ये पोल्यूटर में बेच रहे हो, कोई 60 रुपये बेच रहा है, कोई 80 रुपये बेच, कोई 100 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन पीछे से महंगे मिलते हैं तो हम भी महंगे बेचते हैं। एहसास के प्रोग्राम के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी लोगों की हेल्प की है और लोग मुस्तफीद भी हुए हैं, लेकिन जो उसका बरक्स दूसरा देखें तो कोरोना और डेंगू ने आकर परेशान किया लोगों को और आवाम को परेशान किया, और इस मसले में महंगाई भी। अब इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आगे खान साहब बड़ा कुछ करेंगे। इस इलाके में NA 131 में हुमायूं अख्तर साहब ने काफ़ी डेवलपमेंट काम करवाए हैं, या मतलब कि सुई गैस के नए पाइपलाइन बनवाई हैं और रोड बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, काफ़ी काम करवाए हैं उन्होंने। लेकिन ये कुदरती बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्राइसिस में इतने फंसते आ रहे हैं कि वो काम ना हो सका पाए, तक मिल तक ना पहुँच सके। इंशाल्लाह हम उम्मीद ज़रूर करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आइंदा जो 1.5 या 2 साल है उसमें इम्प्रूवमेंट करें और आवाम के खुशहाली की मद में आवाम की तरफ तवज्जो दें। इस उसमें ये कि जो वर्ल्ड बैंक से उन्होंने कर्जा लिया था वो तकरीबन काफ़ी उतर चुका है, और आगे जो है सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। पाकिस्तान तो बहुत नीचे सिस्टम पर आया जहाँ महंगाई नहीं हो रही, लेकिन दुनिया के अगर ग्राफ को देखें तो बहुत ऊपर महंगाई में गए हुए हैं। दूसरे ममालिक इंग्लैंड, हॉलैंड, अमेरिका, जर्मन, जितने भी ममालिक देखें एशिया के, बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ईमानदार है और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके ज़रूर हटेगा, जाती दफ़ा कुछ ना कुछ सरप्राइज देगा। हाँ जी, माए जी हैगी है थोड़ी महंगाई, महंगाई का की पूछते जे, ऐसे हुकूमत ने आगे बेड़ा ही गर्क कर दिता, हर चीज़ महंगी, गरीब का जीना हराम किया हो। ये उपर बैठ के बकवास कर रहे सारा दिन टीवी दे के, ये हो गया वो हो गया, इन्हों का कोई हाल है। 3.5 साल तो मुर्गी चली जा रही, 450 आलू ने कितने चले गए, प्याज ने बहुत महंगे हो गए हैं, तो गरीब कितने जाएगा। सर्दियों के बाद होर महंगी हो जानी है, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई है, और सर्दियों के बाद बिजली होर महंगी हो जाएगी, कितने जाएगा गरीब आदमी। अच्छी नवी खबर सुनी है City 42 उत्ते कि बिजली मीटर जड़े एक घर में एक मीटर, बाकी एक्स्ट्रा मीटर उतार देते जाएंगे। यह नवी खबर जी, अज इन्हें की करना है, की करेगा आके महंगाई का की करता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूँ, सिर्फ बकवास ही कर देंगे। जब 2 दिन भौंके रखे हुए हैं उन्होंने, वो हर शरीफ आदमी की बेइज्जती करी जाते हैं TV से आके, कोई कारकर्दगी है ही नहीं। इंशाल्लाह जैसे पहले कम हुई है, आपको भी पता और मुझे भी पता है कि जो हालात हुए हुए हैं मुल्क का, ये तब्दीली नहीं है, तबाही है, तबाही बर्बादी। इस हुकूमत ने गरीब तबके को गुला के रख दिया है, किलो चीज़ ले जाने वाला बंदा पाओ पाओ ले जा के अपने घर का सर्किट चला गया। ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, आवाम को लॉलीपॉप दिए हुए हैं कि महंगाई कम हो रही है। महंगाई किधर कम होनी है, सफ़ेद पोच तबका तो बेचारा पिस के रह गया। तब्दीली की तवक्को नहीं है इससे, ये बर्बादी की तवक्को रख सकते हैं कि महंगाई कम होने की बजाय मज़ीद और बढ़ेगी। पिछली हुकूमत इससे अच्छी थी, गरीब घर बैठ के रोटी तो खा रहा था, बर्बाद तो नहीं ना हुआ। कारोबार वेलो की आ भाई साजा दे, माशाल्लाह वेखो वेले बैठे ने। इमरान खान साहब नु चाहिए कोई रिलीफ करन, अगर रिलीफ किया तो और रात नु रिलीफ का फैसला होया तो अगले दिन सब चीज़ा महंगी हो गई भाई जान। इमरान साहब खान साहब नु की कहां, तुसी क्रिकेट च वापस चले हो, क्रिकेट च जाके लुटो आवाम नु, साडी जान छड़े नवाज शरीफ वगैरह आन, असी उदो खुशहाल सां भाई जान, हुण असी दुखी हाँ। अज सुबह तो लाए शाम तक सेल ही कोई नहीं होंगी, घर की करिए गुजारा ही नहीं हो रहा। इमरान खान साहब न अगले कहें ना, इमरान खान साहब अगले 5 साल वास्ते तुम घबराना नहीं, हूँ तो वाम घबरा रही, फिर तुम घबराना है, अगली बार तुम इलेक्शन नहीं मिलना इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल, और तुम इतों हार के जाओगे इंशाल्लाह। हाँ देखो अजे इलेक्शन होए ने, अल्लाह पाक के हुक्म नाल नून लीग ही जितया हर पासों।